आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का बैलेंस कैसे चेक किया जाता है, वो भी एक मिस कॉल के द्वारा। तो दोस्तों, आपको अपने अकाउंट का मिस कॉल के द्वारा बैलेंस चेक करना है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो एक मिस कॉल के द्वारा घर बैठे। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। जब भी मेरा न्यू वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब दोस्तों, आपको मिस कॉल के द्वारा अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो आपको अपने मोबाइल के अंदर नंबर टाइप करना है। यहाँ पे आपको नंबर टाइप करना है 7799022022, बाद में 509। इस नंबर पर आपको कॉल करना है जो आपके अकाउंट के साथ लिंक मोबाइल नंबर है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको कॉल लग रहा है तो यहाँ पे आपको कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल लग रहा है तो दोस्तों अपने आप आपका कॉल कट हो जाएगा। यहाँ से कॉल कट होने के बाद में दोस्तों यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में दोस्तों आपको अपने मोबाइल के अंदर मैसेज एप्लीकेशन को ओपन करना है। मैसेज एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो उनका जो भी बैलेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपका अकाउंट का बैलेंस है यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो। और दोस्तों, अदर बैंक का भी आपको अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से अदर बैंक के अकाउंट का भी बैलेंस चेक कर सकते हो, वो भी एक मिस कॉल के द्वारा। और दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।